So, hello everyone. I guess we are connected. So, इस क्लास को हम शुरू करेंगे. आज की जो क्लास है वो नेक्स्ट क्लास होगी हमारे इस सीरीज में. और सबसे पहले वेलकम टू ईडी एजुकेशन. जो लोग यहाँ पर पहली बार जुड़ रहे हैं मैं उन्हें बता दूँ, इस समय वो लोग देख रहे हैं ये सीटेट और टैट के लिए स्पेशल क्लासेस. तो इन क्लासेस में आपको कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट्स के. तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लासेस जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी एग्ज़ाम को क्लियर करने में. हम सभी टॉपिक्स को, सभी सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, ईवीएस हो, सीडीपी हो या फिर हिंदी पैडागॉजी हो. तो आप ज़रूर इन लेक्चर्स को देखिए, पहले लेक्चर देखिए, उसके बाद डिसीजन लीजिए कि यहाँ जुड़ना है या नहीं. और अगर डिसीजन लेते हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लीजिएगा और बेल बटन आप दबाएं जिससे जो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे. राइट. एंड अनकेडमी के बारे में बता दूं, यहाँ पर मैं एक वेरीफाइड प्लस एजुकेटर हूँ. और यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर, देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, आप मेरे फ्री लेक्चर्स को देख सकते हैं. मैंने टेट परीक्षाओं के लिए या टीचिंग एग्जाम्स के लिए, कोई भी हो, डिग्री एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी के लिए आपको ये कंटेंट बेस्ट रहेगा. फ्री है, लेक्चर सीरीज है, हिंदी में, इंग्लिश में आप देख सकते हैं और सजेस्ट कर सकते हैं. ओके. तो अनअकैडमी.com पर मेरा नाम अमित दीक्षित सर्च करेंगे तो ये मेरी प्रोफाइल आपको दिख जाएगी. ओके. तो जरूर जुड़िए, फॉलो का बटन दबाइए और एक्सप्लोर कीजिए, वहां पर एनरोल कीजिए, फ्री है. और काफी लोग यहाँ पर मेरे लाइव लेक्चर्स भी देख रहे हैं पेड कोर्सेज में. तो अनअकैडमी पर ही जो सब्सक्रिप्शन लेकर आप जुड़ सकते हैं उनके प्लान यहाँ पर दिए गए हैं. अगर आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट लेना चाहते हैं तो मेरा ये कोड है वो आप यूज कर लीजिएगा, अमित अंडरस्कोर दीक्षित. इससे आपको फायदा ही होगा 10% का, तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ. और यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज, नोट्स और लेक्चर कोर्सेज कंप्लीट होंगे यहाँ पर, तो आपको काफी बेनिफिट है. अगर आप सोच रहे हैं तो उसको कंसिडर कर सकते हैं और कोड जरूर यूज कीजिएगा. ओके. चलिए अब हम लेक्चर पर बात करेंगे. तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेसिकली भाषा शिक्षण के सिद्धांत. ओके. तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत एक अच्छा टॉपिक है और हिंदी पेडागोजी में इसको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है एग्जाम में भी. तो चलिए इस पर बात करते हैं और समझते हैं इसके बारे में. तो सबसे पहले भाषा शिक्षण का सिद्धांत, आइए स्टार्ट करते हैं पहले सिद्धांत से. तो पहला सिद्धांत है हमारा अनुपात और क्रम का सिद्धांत. ओके. तो अनुपात और क्रम के सिद्धांत में यहाँ पर सबसे पहली बात ये कही गई है इस सिद्धांत में, भाषा कौशल हमारे चार प्रकार के होते हैं. अगर आप लोग नहीं जानते हैं बता देता हूँ, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये चार कौशल हैं. अगर कोई व्यक्ति भाषा कौशल में निपुण है तो इसका मतलब ये है कि वो इन चारों ही कौशल में निपुण है, यानी कि उसको पता है इनके बारे में, वो जानता है इनको, इनको उपयोग करना जानता है, इसमें सक्षम है, तभी उसको कहा जाएगा कि भाषा कौशल उसका अच्छा है. अगर इनमें से किसी में कमी है तो हम ये नहीं कह सकते कि भाषा कौशल उस बच्चे को आता है या बेहतर है उसका. ओके. तो यानी कि चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. अब इन्होंने जो अनुपात और क्रम की बात की है वो इस तरह से की है कि इन चारों कौशलों को हमें पर्याप्त अनुपात में आना चाहिए. अनुपात को हम कह सकते हैं रेशो, यानी कि एक निश्चित मात्रा में हमें इन सभी कौशलों में निपुण होना जरूरी है, तभी ये कहा जा सकता है कि आप भाषा कौशल में अच्छे हैं. ठीक है. तो पर्याप्त मात्रा में सभी का बैलेंस हो, ऐसा ना हो कि एक बहुत अच्छा है और एक बहुत कम आता है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए. सभी में आपकी दक्षता, सभी में आपकी एबिलिटी एक सही रेशियो के हिसाब से होनी चाहिए, उतना तो आना ही चाहिए. ओके. अनुपात, क्रम मतलब किस कौशल को सीखने के बाद किस कौशल पर जाएं, ये एक क्रम फॉलो करना होता है कि पहले पढ़ना सीखें या लिखना सीखें, बोलना सीखें, किस क्रम में चलें. तो अगर क्रम सही फॉलो करेंगे तो सिखाने वाले को आसानी रहेगी और सीखने वाले को भी आसानी यहाँ पर होगी. राइट. तो क्रम और अनुपात आपको समझ में आ गया होगा क्या बात हो रही है. दूसरा यहाँ पर जो दिया गया है वो है चयन का सिद्धांत. मैंने पहले ही हाईलाइट कर रखा है इसको, तो आप देख सकते हैं. ओके. तो क्रम के सिद्धांत में यहाँ पर ये सॉरी चयन के सिद्धांत में ये बताया गया है कि जब भी आप बच्चों को पढ़ाने के लिए भाषा के संबंध में चयन कर रहे हैं तो वो ऐसी पद्धति होनी चाहिए जो उन्हें सरल बनाए उनके काम को. जितना सरलता पूर्वक बच्चे समझ सकेंगे उतना ही आपका जो तरीका है वो बेहतर कहलाएगा. ठीक है. तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे किसी
कि रुचि बच्चे का इंटरेस्ट बच्चे का लेवल आप समझते हुए कहीं ना कहीं अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि कौन सी पद्धति उनके संग काम करेगी। हर पद्धति हर लेवल के बच्चों के साथ हर बैकग्राउंड के बच्चों के साथ काम नहीं करती है। तो वो किस जगह से हैं, क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं, उनका व्यवहार क्या है, उनकी नीड क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, सभी चीज़ों को समझते हुए आपको यहाँ पर जो चयन है वो करना है अपनी पद्धति का। ओके, ये था चयन का सिद्धांत। और अगले पर चलते हैं, यहाँ पर अगले सिद्धांत पर बात करते हैं। तो अगला है यहाँ पर बाल केंद्रित सिद्धांत। बाल केंद्रित सिद्धांत का मतलब यह है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं आपके शिक्षा के केंद्र में बच्चे होने चाहिए। यानी कि आप ये मत भूलिए कि आपके केंद्र बिंदु में बच्चे हैं, और बच्चों को लेकर ही आपको जो भाषा शिक्षण की पद्धतियां हैं, जो तरीके हैं, जो उपकरण आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या जो भी माहौल आप बना रहे हैं, वो सभी बच्चों पर केंद्रित होना चाहिए। बच्चों बाल केंद्रित होना चाहिए। ओके, तो बाल केंद्रित होगा तो आप उनकी रुचि, स्वभाव, जरूरत, उनकी आवश्यकता, उनका बैकग्राउंड, एवरीथिंग यू विल कंसिडर, आप सभी चीज़ें कंसिडर करेंगे और आप उसके हिसाब से एक सही दिशा में, सही माहौल, सही तरीके, सही चीज़ों का इस्तेमाल कर पाएंगे, सही उपकरणों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बाल केंद्रित का सिद्धांत यही कहता है भाषा शिक्षण के संबंध में। आई होप इट्स क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल है। मातृभाषा का शिक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि मातृभाषा, देखिए हम बहुत ही नेचुरली सीखते हैं, उसके लिए हमें कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने घरों में जो भी मातृभाषा बोल रहे हैं, हर बच्चा किसी भी लैंग्वेज का हो, वो अपने घर में बड़ी आसानी से सीख लेता है। तो ऐसा क्यों है, इस बात को समझना है कि किस तरह से स्वाभाविक तरीके से मातृभाषा का को सीखा जाता है, और उसी तरह से हम मातृभाषा का उपयोग करते हुए जो दूसरी भाषा सीखना जा रहे हैं उसको उपयोग करते हुए सीखें। ऐसा हम करते भी हैं, पहले अपनी मातृभाषा में चीज़ों को समझते हैं, फिर दूसरी भाषा जो सीखना चाहते हैं उससे उन विचारों को, उन सेंटेंस को रिप्लेस करते जाते हैं। तो यहाँ मातृभाषा को सही ढंग से उपयोग करके, उससे संबंध बनाकर आप दूसरी भाषाओं को सिखाएंगे तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। उनकी मातृभाषा को छोड़ना नहीं है, उसको लेकर चलना है, उसके जरिए दूसरी भाषा को सिखाने का कोशिश करना है। ठीक है, ये सिद्धांत याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है सारे एग्जाम से। पुनर्बलन का सिद्धांत कहता है कि जब भी कभी कभी हम डाउन चले जाते हैं, हम भी डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो बीएफ स्किनर ने कहा था, ये नाम याद रखिएगा स्किनर का, कि उन्होंने पुनर्बलन का सिद्धांत, उन्होंने कहा था कि जब तक आप, कभी भी बच्चा डाउन जाता है, उसको लो मोटिवेशन है, तो आप उसको उत्साहित करते रहिए। बीच बीच में कभी कभी जब परफॉर्मेंस अच्छी ना रहे तब भी उसका मनोबल बढ़ाते रहिए और उसको आगे पुश करते रहिए। तो ये तो सभी सब्जेक्ट में लागू होता है, तो भाषा को सीखने में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक नई लैंग्वेज सीख रहा है, उसको नए तरीके से चलना है। ओके, तो सपोर्ट और पुनर्बलन देते रहेंगे, ये सिद्धांत है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि सभी बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, आपको उनको समझना है, उनकी पर्सनल ताकत और कमजोरियों को समझते हुए, उनको जरूरत को समझते हुए उनको शिक्षा देनी है। सभी के संग अलग अलग पद्धतियों पर आप काम करेंगे तो भाषा शिक्षण बहुत अच्छा होगा। ओके, अगला है जीवन समन्वय का सिद्धांत। तो आप बच्चों को आम जीवन से जोड़कर चीज़ों को सिखाएंगे, आम जिंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों से जोड़कर उनको सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखते हैं। और भाषा को सिखाते समय हमें उनके आम जीवन में काम आने वाली उपयोग की वस्तुओं से और व्यवहारों से और स्थितियों से जोड़कर सिखाना ज़्यादा फायदा देगा। तो ये है जीवन समन्वय का सिद्धांत, आम जिंदगी से जोड़कर सिखाना। निश्चित उद्देश्य और पाठ्य सामग्री का सिद्धांत कहता है कि जिस उद्देश्य को आप लेकर चल रहे हैं, आपका जो विषय वस्तु है, जो सिलेबस है, उसको सही ढंग का होना चाहिए। अगर आपके विषय वस्तु में, आपके पाठ्यक्रम में वो चीज़ें शामिल की गई हैं जो आपका भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, तो एक अच्छा पाठ्यक्रम एक अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होता है। तो अगर हिंदी भाषा को पढ़ा रहे हैं या इंग्लिश को पढ़ा रहे हैं, किसी को भी पढ़ा रहे हैं, तो कंटेंट उसके हिसाब से हो, और इस तरह से जब विषय वस्तु उसके हिसाब से होगी, विद्यार्थी के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से और उद्देश्यों के हिसाब से भाषा के, तो वो ज़्यादा असर डालेगी, बच्चों को सीखने में मदद करेगी। तो यहाँ बात हो रही है कंटेंट की। कंटेंट जितना अच्छा होगा, विषय सामग्री जितनी अच्छी होगी, उतना ही उसको सिखाया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज के सिद्धांत। लाइक शेयर आप ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ जुड़ें और बेल बटन भी दबा लें। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर एवरीवन।